दिल्ली और पंजाब में झाड़ू चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आप हरियाणा में भी पूरी उम्मीद के साथ उतरे, लेकिन यहाँ बीजेपी की आंधी में झाड़ू तिनकों की तरह बिखर गए। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक सीट ऐसी है जहाँ झाड़ू कुछ इस कदर चली जिससे विरोधियों के पसीने छूट गए। ये कहानी है आम आदमी पार्टी के उस योद्धा की जिसने बीजेपी नेता को धूल चटाकर विधानसभा में अपनी सीट पक्की कर ली है। डोडा की सियासी जंग में महराज मलिक ने वो कमाल किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सालों से राजनीति के मैदान में डटे हुए महराज मलिक ने आखिरकार वो कर दिखाया जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में पहली बार हुआ और आम आदमी पार्टी का यहाँ भी खाता खुल गया। अब सवाल यह है कि आपके लिए इकलौती सीट जीतने वाले महराज मलिक कौन है? महराज डोडा के सियासी मैदान का वो सिपाही जिसने पहले DDC चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि पहली बार मलिक 2014 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे, लेकिन तब उन्हें जीत नहीं मिली। फिर आया 2020 जहां DDC चुनावों में मलिक ने धमाकेदार जीत दर्ज की और मजा मजा राज करेगा का नारा पूरे डोडा में गूंजने लगा। और इस बार तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, मलिक ने बीजेपी के मजबूत किले को भी हिला दिया। मलिक ने डोडा के सियासी मैदान में ऐसी झाड़ू चलाई कि दिग्गजों का भी सफाया हो गया, क्योंकि ये वही डोडा है जहां सियासत में दशकों से एक ही पार्टी का दबदबा था। अरविंद केजरीवाल ने भी महराज मलिक को बधाई दी है। डोडा विधानसभा सीट पर महराज मलिक का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता गजय सिंह राणा से था। पारंपरिक सीट होने की वजह से गजय सिंह राणा की जीत यहां लगभग पक्की मानी जा रही थी, लेकिन महराज ने राणा को लगभग 3000 वोटों से मात दे दी। ऐसे में मलिक की इस जीत को एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मलिक की जीत को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक कठिन मुकाबले में न केवल चुनाव जीता बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में आपकी शुरुआत भी की। यही वजह है कि ये एक जीत आम आदमी पार्टी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि इस जीत के साथ आपने 5 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है।